गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रोहिणी आनंद आज आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक सेकंड में डिसएडवांटेज पढ़ाऊंगी टीटीएल का। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टीटीएल पढ़ा, फिर टीटीएल का टू इनपुट नैंड गेट यूजिंग टीटीएल भी पढ़ा था, फिर उसके बाद एडवांटेज पढ़ा था इसका ट्रांजिस्टर लॉजिक का। आज हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेज। इधर आपका डिसएडवांटेज है, टीटीएल का जो नियाज इम्यूनिटी होती है बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है, वर्स्ट होती है। सेकेंड इसका डिसएडवांटेज है, इट कैन ऑपरेट ओनली ऑन 5 वोल्ट पावर सप्लाई। ये केवल इसमें जो पावर सप्लाई 5 वोल्ट से ज़्यादा हम इसमें नहीं दे सकते हैं। इसमें जो भी कॉम्पोनेंट यूज़ होता है उसकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है और इसका जो पावर डिसिपेशन होता है इसमें काफ़ी लार्ज लेवल पर होता है। तो ये आपके 4 डिसएडवांटेज है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीमॉस, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अब सीमॉस क्या है आपका, तो सीमॉस इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन चैनल एंड पी चैनल। तो ये आपका पी चैनल है, ये आपका एन चैनल है। अब कैसे हम डिसाइड करेंगे कि किसको पी चैनल कहेंगे किसको एन चैनल कहेंगे? तो यहाँ पे देखिए आपका दो मैंने मॉस्फेट यूज़ किया है, तो जहाँ पे भी अब एरो बाहर की तरफ रहेगा वो आपका पी चैनल हो जाएगा, जहाँ एरो आपका अंदर की तरफ रहेगा वो आपका एन चैनल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि एक VDD पावर सप्लाई दी गई है, एक इनपुट वोल्टेज है, एक आउटपुट वोल्टेज है। और यहाँ पे ये आपका मैंने लिखा नहीं है, ये Q1 है और ये Q2 है। दो अलग अलग ट्रांजिस्टर यूज़ किया है इसलिए उसका मैंने नाम दे दिया है Q1 एक Q2 एक पी चैनल एक एन चैनल है। अब इसमें हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। CMOS कैन बी डिज़ाइंड बाय कंबाइनिंग एन चैनल एंड पी चैनल MOSFET। CMOS कैसे डिज़ाइन किया जाता है, एन चैनल और पी चैनल MOSFET को कंबाइन करके CMOS आपका बनाया जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री MOSFET। सेकेंड पॉइंट है आपका कि व्हेन अ CMOS सर्किट इज यूज्ड इन स्विचिंग एप्लीकेशन इन द इनपुट वोल्टेज इज हाई और लो। मतलब CMOS को जब स्विचिंग की तरह यूज़ किया जाता है, स्विच की तरह, तो इसमें या तो आपका हाई होगा या लो होगा। मतलब या तो हाई के लिए क्या हो जाएगा पावर सप्लाई, मतलब या तो 1 बोल सकते हैं, और लो के लिए क्या हो जाएगा 0 वोल्ट, या हम 0 और 1 ट्रू या फॉल्स भी बोल सकते हैं इसमें, कि अगर हाई है तो आपका ट्रू हो जाएगा और लो है तो फॉल्स हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम ये भी समझ सकते हैं कि CMOS को हम एज अ स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि व्हेन द इनपुट वोल्टेज, अभी मैंने आप लोग को दिखाया था डायग्राम में इनपुट वोल्टेज वी इनपुट, व्हेन द इनपुट वोल्टेज इज हाई, जब आपका इनपुट वोल्टेज हाई होगा तो जो आपका Q1 है Q1 ट्रांजिस्टर वो ऑफ हो जाएगा और जो Q2 है वो आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है ऑन ऑफ, क्योंकि एक आपका पी चैनल है आपका एन चैनल है, तो इसमें आपका ये ऑफ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये आपका जब हम वी इनपुट आपका हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है ये ऑफ हो जाता है, मतलब ऑन करने का मतलब जब हम इसको पावर सप्लाई देते हैं तो ये आपका ऑफ हो जाता है और Q2 आपका ऑन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये CMOS है तो कॉम्प्लीमेंट्री MOSFET है, तो इसमें क्या होता है कि एक आपका ऑफ हो जाता है एक आपका ऑन हो जाता है। अब इसमें है कि व्हेन द इनपुट वोल्टेज इज हाई, जब हम इनपुट वोल्टेज को हाई करते हैं तो Q1 क्या हो जाता है ऑफ हो जाता है और Q2 क्या होता है ऑन हो जाता है। अब इन दिस केस द शॉर्टेड Q2 पुल्स द आउटपुट वोल्टेज डाउन टू ग्राउंड। अब इस केस में क्या होता है कि जब इनपुट वोल्टेज को हम हाई करते हैं तो Q2 क्या होता है शॉर्ट हो जाता है और वो क्या करता है आउटपुट वोल्टेज को नीचे की तरफ पुल करता है। तो इसको आगे डिस्कस करेंगे, इसको पुल अप भी बोलते हैं, एक वाले को ट्रांजिस्टर को पुल डाउन भी बोलते हैं। फिर एक केस हो गया कि जब हाई होगा, एक केस जब हम पढ़ेंगे कि व्हेन द इनपुट वोल्टेज इज लो, जब आपका इनपुट वोल्टेज लो होता है तो Q1 इज ऑन, Q1 आपका ऑन हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो रहा है आपका। हाई वाले में क्या हो रहा था आपका Q1 ऑफ हो रहा है और Q2 ऑन हो रहा था, लेकिन जब हम इनपुट वोल्टेज लो कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है Q1 इज आपका ऑन हो जा रहा है और Q2 आपका ऑफ हो जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि नाउ द शॉर्टेड द Q1 पुल द आउटपुट वोल्टेज अप टू VDD, मतलब कि एक बार ग्राउंड की तरह आपका ग्राउंड की तरफ एक बार पुल कर रहा है। कब ग्राउंड की तरफ पुल कर रहा है, जब आपका इनपुट वोल्टेज हाई है।
लेकिन एक बार पावर सप्लाई की तरफ पुल करेगा जब आपका इनपुट वोल्टेज लो रहेगा। तो इसमें अभी मैंने लिखवाया लिखा भी है कि नाउ द शॉर्टेड Q1 पुल्स द आउटपुट वोल्टेज अप टू VDD, ठीक है, मतलब पावर सप्लाई आपका। सिंस इन बोथ द केसेस आउटपुट वोल्टेज इन्वर्टेड द सर्किट इज कॉल्ड द CMOS इन्वर्टर। अब आपका देखिए जस्ट उल्टा हो रहा है, हाई में जस्ट उसके अपोजिट हो रहा है, लो में उसके जस्ट अपोजिट हो रहा है। तो इस कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं कि कह रहा है कि सिंस इन बोथ द दोनों केसेस में आउटपुट जो वोल्टेज है इन्वर्टेड द सर्किट, सर्किट को क्या कर रहा है इन्वर्ट कर दे रहा है, इसलिए इस कंडीशन को हम क्या क्या कहते हैं CMOS इन्वर्टर कहते हैं। ठीक है, कि इन्वर्टर मतलब क्या हो जाएगा आपका जस्ट अपोजिट, अगर लो हो रहा है तो उसकी कंडीशन अलग है, अगर हाई हो रहा है तो उसकी कंडीशन अलग है। आज के वीडियो क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।